अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि विंडो 10 या विंडो 7 या विंडो 8, कोई भी विंडो हो, उसको एक्टिव कैसे किया जाता है। और जो दूसरा ऑफिस है, एमएस ऑफिस, वो कोई भी हो, 16 का हो, 17 हो, 10 हो, 5 हो, 2000 हो, कोई भी हो, 19 वाला क्यों ना हो, तो उनको एक्टिव कैसे किया जाता है आज हम वन क्लिक में सीखेंगे। जी, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है हमारा, सबसे पहले हम बंद कर लेंगे एंटीवायरस को। मैंने सेटिंग में गए, यहां से हमने इसको कर दिया बंद, यहां से करेंगे यस, इसको कर देते हैं मिनिमाइज, अपने ड्राइव में जाएंगे, सॉफ्टवेयर उठाएंगे, कहाँ मैंने रखा था, डाउनलोड में, KMS टूल, इसको कराया रन। अपने सबसे पहले इसमें चले जाना है, AACT पोर्ट्रेबल क्लिक किया, रनिंग कर रहा है। आपने चले जाना है सबसे पहले ऑफिस इंफॉर्मेशन में, प्रोसेसिंग शुरू होगी। एक दो मिनट लगेंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे विंडो एक्टिवेशन। प्रोसेस हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो ये सिंपल मेथड है, इसका दे दूंगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारा ऑफिस एक्टिव करने का, जस्ट इसको कराएंगे रन, सेम वही प्रोसेस। अभी हम जाएंगे ऑफिस एक्टिवेशन में, हो रहा है प्रोसेस, हो रहा है। ये आप देख सकते हैं प्रोडक्ट सक्सेसफुली एक्टिवेशन। अगर ऐसा ना आए आपके पास तो आपने क्या करना है, आपने ऑफिस इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेम इसी प्रोसेस को दोबारा अगेन कर देना, तो आपका ये ऑफिस भी एक्टिव हो जाएगा। ये मेरे पास 19 वाला ऑफिस है, मैं दिखाऊँ आपको, तो देख सकते हैं 19 वाला ऑफिस है और एक्टिव है। देख ले, कंप्लीट एक्टिव। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।